महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से लोगों को बढ़ते बिजली के बिल आ रहे हैं। बढ़ते बिजली के बिलों के 100 यूनिट कम करने वाले थे, लेकिन बिजली के यूनिट कम नहीं किए जाने से शहर के बेसा बेलतरोड़ी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल की होली की और सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से कोरोना कार्यकाल में शहर के नागरिकों को बिजली के बिल बहुत ज्यादा आए, जहाँ पर लोगों में काफी नाराजगी है। बिजली बिल के यूनिट इतने ज्यादा आए हैं कि नागरिक परेशान हैं। इस बारे में जनता ने राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को कई बार ज्ञापन दिया और इस बात से अवगत कराया। ऊर्जा मंत्री ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि वे 100 यूनिट कम करेंगे और बिजली बिल माफ करेंगे, लेकिन नितिन राउत अपने बयान से मुकर गए और लोगों को बिजली बिल भरना ही होगा ऐसी चेतावनी दी, जिसके चलते लोगों में बढ़ते बिल को लेकर रोष व्याप्त। बेसा बेलतरोड़ी स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और गार्डन परिसर में बिजली बिल की होली जलाई। इस बारे में बेसा बेलतरोड़ी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। इस तरह के नारे देते हुए भारतीय जनता पार्टी के बेसा बेलतरोड़ी के अंतर्गत आने वाली ये तमाम कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि बिजली बिल जो बढ़ के जो आए हुए हैं उसे कम करना चाहिए, क्योंकि आए दिन कोरोना कार्यकाल में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था और लोगों को जो बिल ज्यादा आए थे उसको लेकर राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इन्होंने 100 यूनिट से भी कम करने का वायदा किया था, इतने नहीं तो बिल कम करने की बात कही थी। मगर अफसोस कि आए दिन जिस प्रकार से कामकाज हो रहा है इससे विरोधी पक्ष जो है और भी आक्रामक हो चुके हैं। इस समय में तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, आइए उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए सर कि आज का ये कार्यक्रम क्यों लिया गया, क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी च्या वतीने जनहितार्थ विजेचे बिल जे वाढलेले आहे, कोरोना काळामध्ये लोक होरपडलेले आहे, खायला पैसा नाही त्यांच्याकडे, सरकारने वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली होती, वीज बिल माफ केलेलं नाही 100 युनिटपर्यंत, त्याकरता आमच्या पार्टीच्या वतीने आम्ही आंदोलन करत आहोत आणि सरकारला जाग आली पाहिजे। ऊर्जामंत्री आणि पालकमंत्री नितीनजी राऊत यांच्यापर्यंत ही गोष्ट गेली पाहिजे, महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या हाऊसमध्ये हा विषय चर्चेला आला पाहिजे व जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे। या झोपलेल्या सरकारला जागवण्याकरता हे आंदोलन आहे। मागील कोरोना काळापासून तर आता ज्या मागच्या महिन्याच्या बिलापर्यंत सगळ्यांना इथे बसत सगळ्यांना इतकं भरमसाट बिल आलेलं आहे। कोरोना काळात ऑलरेडी लोक आर्थिक संकटाने झुजत आहे आणि हे त्यावर भरमसाट बिल पाठवून आणि आपल्या प्रत्येक मुद्द्यावर घुंजाव करून ही सरकार, तीन आटोची सरकार, मी तर म्हणतो नितीन राऊत साहेबांनी आपला हा ऊर्जा मंत्रालय जर सांभाळत नाही तर त्यांनी आपला इस्तिफा दिला पाहिजे आणि या जागेवर सक्षम असं नेतृत्व उभं केलं पाहिजे, अथवा हे सरकार पडून भारतीय जनता पक्षाची सरकार लवकरच येईल आणि या सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो। तो इस तरह के कार्यकर्ता ने बात करते हुए कहा कि बिजली के बिल कम आना चाहिए, और भी कुछ कार्यकर्ता है, आप बताइए आप क्या कहना चाहोगी? मुझे सर यही कहना है कि जो जनहितार्थ जो हमने ये आंदोलन किया है इसका कुछ तो इफेक्ट निकले और निकलेगा। और नितिन राउत जी, अगर आप नहीं संभाल सकते कोई भी विषय हो, आज पालक मंत्री को भी अब तक हमने देखा नहीं है कोई भी सब्जेक्ट में, तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि इनको अगर नहीं संभलता है तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मेरी भी लेडीज़ घर में किसी को जॉब नहीं है तो कैसे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बिल भरेंगे सर? तो ये सरकार को मुझे मेरी यही विनती है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी तो आप सरकार से नीचे आ जाइए बस। मैडम ये बताइए, यदि सरकार ने आपकी मांगों को दरकिनार किया और आपकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? इससे भी ज्यादा हम तीव्र आंदोलन करेंगे सर, हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में हमारा आंदोलन और ही तीव्र होते जाएगा, हर सब्जेक्ट में तीव्र होते जाएगा, यही मेरा कहना। तो आप तो जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से बिजली के जो दाम बढ़ाए उसको कम करना चाहिए, अगर वे काम नहीं करते हैं तो उन्होंने अपनी कुर्सी भी छोड़ना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो जनता के हित में काम करना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ ये भद्दा मजाक नहीं करने कोई भी नहीं करना चाहिए, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी हो, किसी ने भी ग्राहकों के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, अपने अधिकार का संविधान के चलते सही यूज करना चाहिए, तभी कहीं लोकतंत्र में जीने वाले लोगों को न्याय मिल सकता है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।